टी20 वर्ल्ड कप 2022 में पाकिस्तान की धमाकेदार जीत के बाद एक बार फिर पॉइंट टेबल में जिंदा हुई पाकिस्तान की टीम अब ऐसे पहुंच सकती है सेमीफाइनल में। लेकिन पाकिस्तान की जीत से टीम इंडिया को मिली बड़ी खुशखबरी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए बेहद ही शानदार मुकाबले में पाकिस्तान की टीम ने शानदार जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही पाकिस्तान की टीम ने पॉइंट टेबल में बड़ा बदलाव कर दिया है, जिसके चलते यहां पर साउथ अफ्रीका को यहाँ पर बड़ा नुकसान हुआ तो वहीं पर टीम इंडिया को बड़ी खुशखबरी मिली है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूरा हाल बताएंगे पॉइंट टेबल का कि आखिरकार टीम इंडिया को क्या खुशखबरी मिली है, साथ ही साउथ अफ्रीका की टीम को कौन सा झटका लगा और पाकिस्तान की टीम कैसे जिंदा हुई है एक बार फिर पॉइंट टेबल में और पहुँच सकती है अभी भी सेमीफाइनल में, बताएंगे आपको इस वीडियो में तमाम जानकारी। लेकिन उससे पहले आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप 2022 को जीते तो कर दीजिए इस वीडियो को दिल से एक लाइक, और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों, हम बात करें आज पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच हुए बेहद ही शानदार मुकाबले की, तो यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए पाकिस्तान की टीम ने 33 रनों से मुकाबले को जीत लिया और इस जीत के साथ ही पॉइंट टेबल में इस टीम की नेट रन रेट भी काफ़ी शानदार हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं पूरी पॉइंट टेबल का हाल। तो दोस्तों, हम भारतीय टीम के इस ग्रुप के पॉइंट टेबल की बात करें तो सबसे आखिरी नंबर पर नीदरलैंड की टीम मौजूद है। नीदरलैंड की टीम की हम बात करें तो फिलहाल 4 मुकाबले इस टीम ने खेले हैं, जिनमें से एक मुकाबला जीता है जबकि 3 मुकाबले हारे हैं। साथ ही इस टीम के पास 2 पॉइंट है जबकि नेट रन रेट -1.233 है, यानी कि फिलहाल नीदरलैंड की टीम इस मुकाबले में काफ़ी पीछे हो चुकी है, सेमीफाइनल की रेस से बिल्कुल बाहर हो चुकी है और पहली ऐसी टीम है इस ग्रुप में जो अब तक बाहर हुई है टी20 वर्ल्ड कप 2022 से। तो वहीं पर दोस्तों, हम बात करें नंबर 5 की तो यहाँ पर जिम्बाब्वे की टीम मौजूद है। 4 मुकाबले खेले जिनमें से एक मुकाबला जीता है, 2 मुकाबले इस टीम ने हारे हैं, साथ ही एक मुकाबला इनका रद्द हुआ जबकि इस टीम के पास 3 पॉइंट हैं, नेट रन रेट -0.313 है। अगर ये टीम इंडिया को हरा देती है तो कुछ चमत्कार हो सकता है, लेकिन इस टीम का भी अब बाहर होना तय हो चुका है क्योंकि अपना ये आखिरी मुकाबला जीत भी जाते हैं तो भी ये टीम सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सकती क्योंकि नेट रन रेट इनकी काफ़ी ज़्यादा माइनस में है। वहीं पर नंबर 4 की हम बात करें तो यहाँ पर मौजूद है बांग्लादेश की टीम, जिन्होंने 4 में से 2 मुकाबले जीते हैं जबकि 2 ही मुकाबले हारे हैं। इनके पास फिलहाल 4 पॉइंट है जबकि नेट रन रेट -1.276 है। इस टीम का एक मुकाबला पाकिस्तान के साथ बचा हुआ है, अगर ये टीम वो मुकाबला बड़े अंतर से जीतती है और साथ ही साउथ अफ्रीका को नीदरलैंड की टीम हरा देती है तो इनकी सेमीफाइनल में पहुंचना तय हो जाएगा, यानी कि अभी भी ये इस टूर्नामेंट में जीवित हैं। जबकि नंबर 3 टीम की हम बात करें तो यहाँ पर अब पाकिस्तान की टीम मौजूद है। पाकिस्तान के लिए आज के जीत के साथ ही यहाँ पर थोड़े से दरवाजे खुले हैं क्योंकि आज अभी भी इनकी जिंदा है। इस टीम ने 4 मुकाबलों में से 2 मुकाबले जीते जबकि 2 मुकाबले हारे हैं और इनके 4 पॉइंट हैं। नेट रन रेट की बात करें तो पाकिस्तान की नेट रन रेट +1.085 है जो कि काफ़ी शानदार है। अब इनका आखिरी मुकाबला जो है वो है बांग्लादेश के साथ, अगर उस मुकाबले को यह टीम जीत लेती है साथ ही साउथ अफ्रीका की टीम का मुकाबला या तो बारिश में धुल जाए या फिर नीदरलैंड की टीम साउथ अफ्रीका की टीम को हरा दे तो पाकिस्तान की टीम अपना आखिरी मुकाबला बांग्लादेश के साथ जीतकर नेट रन रेट को बेहतर करके सेमीफाइनल में अब भी अपनी जगह बना सकती है, यानी कि इस टीम के पास काफ़ी शानदार मौका है एक बेहतरीन जीत दर्ज करने का जो कि बांग्लादेश के खिलाफ होगी। जबकि साउथ अफ्रीका की टीम अगर बारिश से मुकाबला धुलता है तो उन्हें सिर्फ एक ही पॉइंट मिलेगा, ऐसे में उनके भी 6 पॉइंट होंगे जबकि पाकिस्तान की टीम के पास भी 6 ही पॉइंट होंगे। अगर बांग्लादेश के खिलाफ थोड़ी बेहतर जीत दर्ज करती है पाकिस्तान की टीम तो इनकी नेट रन रेट साउथ अफ्रीका से थोड़ी बेहतर हो सकती है, ऐसे में यहाँ पर साउथ अफ्रीका की टीम बाहर हो जाएगी और पाकिस्तान की टीम चली जाएगी सेमीफाइनल में, यानी कि ये आखिरी मौका है पाकिस्तान की टीम के पास। जबकि दोस्तों, नंबर 1 टीम की हम बात करें तो यहाँ पर मौजूद है इंडिया, जिन्होंने अब तक शानदार परफॉर्मेंस करते हुए अपने 4 में से 3 मुकाबले जीत लिए हैं जबकि टीम इंडिया को सिर्फ एक मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। फिलहाल भारतीय टीम के पास 6 पॉइंट है जबकि नेट रन रेट +0.730 है। भारतीय टीम का फिलहाल यहां पर सेमीफाइनल खेलना तय है, अगर भारतीय टीम को जिम्बाब्वे की टीम हरा देती है तो ही भारतीय टीम का बाहर होने के चांस है, नहीं तो यहाँ पर टीम इंडिया पहुँच जाएगी सेमीफाइनल में जो कि तय है क्योंकि जिम्बाब्वे की टीम के सामने टीम इंडिया मुकाबला हारना थोड़ा मुश्किल है, ऐसे में यहाँ पर भारतीय टीम ग्रुप टॉप करके यहां पर पहुंच जाएगी सेमीफाइनल में। जबकि यहां पर साउथ अफ्रीका या पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश अभी भी इस रेस में बनी हुई है, इनमें से कोई एक टीम अभी भी सेमीफाइनल की तरफ पहुंचेगी।
तो दोस्तों क्या लगता है टीम इंडिया के साथ कौन सी टीम इस ग्रुप से सेमीफाइनल में पहुंचनी चाहिए, आप हमें अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और साथ ही यह भी बताएं कि भारत का सेमीफाइनल में मुकाबला न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन तीन टीमों में से जो दो टीमें आएगी वो कौन कौन सी होनी चाहिए, आप हमें अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।